नमस्कार दोस्तों हमारी अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में मैं जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एम में जो वैकेंसी आई है आ, उसका इंग्लिश में सिलेबस जो है बताने वाला हूँ एग्जाम पैटर्न क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि इंग्लिश में जो है इसमें इसका सिलेबस जो है आप बताइए तो आइए दोस्तों देखते हैं इंग्लिश में जो सिलेबस है उसको क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जो इंग्लिश मीडियम से रहते हैं तो उनको हिंदी का जो सिलेबस है वो अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आइए दोस्तों वही इस वीडियो में देखिए फ्रेंड्स ये आ गया सिलेबस दोस्तों देखिए इसमें जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल ये है पार्ट ए है ये एग्जाम टू पार्ट में है पार्ट ए पार्ट बी तो दोस्तों पार्ट ए का यदि हम पूरा डिटेल में सिलेबस देखें तो देखिए फ्रेंड्स पहली यूनिट है हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी इसमें दोस्तों बहुत सारी ये पॉइंट है आप देख सकते हो वहीं दोस्तों दूसरा पॉइंट दूसरी यूनिट है जियोग्राफी ऑफ द मध्य प्रदेश इसमें दोस्तों आप देख सकते हो सिलेबस तीसरी यूनिट है दोस्तों पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ एम चौथी यूनिट है दोस्तों करेंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल नेशनल एंड एम लेवल के ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट जो यूनिट है दोस्तों इंफॉमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये फाइव यूनिट दोस्तों इसमें है जिसमें इंफॉमेशन एंड टेक्नो एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ई e कॉमर्स है इंटरनेट है सोटल सोशल नेटवर्किंग है ई e गवर्नेंस है रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये फाइव यूनिट है ये दोस्तों पार्ट ए हुआ अब दोस्तों पार्ट बी हम देखेंगे ठीक है ये हिंदी वाला सिलेबस है हिंदी मीडियम वाला अब दोस्तों पार्ट बी का सिलेबस पार्ट बी में दोस्तों जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें ठीक है अब दोस्तों सिलेबस में देखिए हायर एजुकेशन है इसमें दोस्तों बहुत सारे जो है टॉपिक दिए हैं जैसे यूजीसी नाक एआईसीटी नेशनल मेडिकल कमीशन एनसीटीई बार काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मेसी काउंसिल काउंसिल नर्सिंग काउंसिल आईसीएआर वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया आयुष ये डीएस टी डी बी टी एन आई सी ये सब दोस्तों बहुत सारा इसमें सिलेबस है दूसरी यूनिट है दोस्तों हायर एजुकेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है तीसरी यूनिट है एजुकेशन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें दोस्तों जो मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट उन्नीस सौ तिहत्तर है वो है इसके सब्सिकुन एक्ट्स हैं ठीक है ये सब है फोर्थ यूनिट है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ हायर एजुकेशन ऑफ मध्य प्रदेश इसमें दोस्तों यू है एन सी टी है ए आई नाग यूनेस्को यूनिसेफ वर्ल्ड बैंक ए एशियन डेवलपमेंट बैंक एम काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ई टी वहीं दोस्तों फिफ्थ यूनिट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ यूनिवर्सिटी ये है ठीक है फ्रेंड्स वहीं दोस्तों सिक्स यूनिट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जिसमें पब्लिक डेप डेप्ट ग्रैंट्स है ऑडिट एंड एनुअल रिपोर्ट है पब्लिक अकाउंट कमेटी है ठीक है ये सब है नेक्स्ट दोस्तों सेवंथ यूनिट है टीचिंग एंड रिसर्च है ठीक है और एट एट नंबर की यूनिट है दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की पॉलिसी है उसके बारे में है ठीक है इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है आ, दोस्तों नाइन नंबर की यूनिट है मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन एंड रेगुलेटरी कमीशन ठीक है तो इसमें दोस्तों एमपी ह्यूमन राइट कमीशन है एमपी पी वुमेन कमीशन है एमपी माइनॉरिटी कमीशन है एमपी ओबीसी कमीशन है एमपी ओबीसी वेलफेयर कमीशन है एमपी मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन है एड एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी मध्य प्रदेश है और दोस्तों जो टेन नंबर की यूनिट है रीडिंग कॉम्फ्रिएसन है ठीक है इसमें दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन

तो ठीक है फ्रेंड्स ये डिटेल में सिलेबस मैंने जो असिस्टेंट रेस्ट